हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि धन में कोई भी फीचर्स या प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वी मेक श्योर कि ये सभी तरह के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल रहे, बी इट स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, ऑप्शंस ट्रेडर, कोई सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता है या सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता है, लाइक डिफरेंट प्रकार के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं। वी वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हमारे सारे फीचर्स या प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से हर तरह के ट्रेडर के लिए यूजफुल रहें। इसी तरीके से हमने टेक्निकल एनालिसिस करने वाले ट्रेडर्स या फिर जो चार्ट्स पे चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी हमने एक प्रोडक्ट बनाया था tv.dhandot.co ट्रेडिंग व्यू के साथ मिलकर, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट यू गाइज आर लविंग इट। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है एंड यू गाइज आर लाइकिंग इट। उसी को हमने टाइम टू टाइम फिर हमेशा इम्प्रूव किया है सो दैट आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो सके। आज फिर हम एक और फीचर लेकर आए हैं tv.dhandot.com में, जो कि पर्टिकुलरली बनाया गया है स्कैल्पर्स के लिए, या स्कैल्पर नहीं भी है तो जो क्विक इन और आउट करते हैं, जिन्हें जल्दी से एंट्री या एग्जिट चाहिए होता है, हम उनके लिए लेकर आए। आप नहीं भी करते हैं अगर स्कैल्पिंग तो भी आपके लिए काम आ सकता है। लेट्स गो थ्रू दैट प्रोडक्ट। सो वी आर ऑन द tv.dhandot.co और मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया है इन अ डेली टाइम फ्रेम। मैं चाहूँ तो अपना टाइम फ्रेम कम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन है, वी हैव इंक्लूडेड दिस बटन हियर, यहाँ पे स्कैल्पर। इफ आई क्लिक ऑन इट, मेरे सामने ये एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाता है। मैं इस बटन को कहीं पे भी फ्लोट करके रख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे सामने बाय और सेल का दो बटन है, साथ में है ये क्वांटिटी इनपुट करने का। आई कैन इनपुट एनी क्वांटिटी, आई कैन इनपुट 100, 110। अभी मैं एक क्वांटिटी से ही आपको बताता हूँ। एज सून एज मैं यहाँ पे बाय या सेल करता हूँ, मेरा एक मार्केट ऑर्डर टाटा मोटर्स में प्लेस हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे मेरा टाटा मोटर्स मार्केट यहाँ पे प्लेस हो गया। जैसे ही मैंने ये पोजिशन बनाई है, मेरी यहाँ पे पोजिशन दिख रही है। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपनी सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे अपने एग्जीक्यूशंस भी ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आपने एग्जीक्यूशंस ऑन करे तो ये आपको बताएगा कि सी दिस ब्लू एरो मींस यू हैव गॉन अ लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। नेक्स्ट, आपको नाउ आपके सामने यहाँ पे चार्ट पे पोजीशन बनी हुई है, आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सेल करना है यहाँ से, आप एक क्विकली अनादर, मैं यहाँ पे और टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ और मुझे और क्विकली स्कैल्पिंग करना है। आई हैव जस्ट टेकन अ पोजीशन, आई एम नॉट डूइंग अ ट्रेडिंग, आई जस्ट वांटेड टू शो। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी इस पोजीशन का पीएनएल यहाँ पे मूव हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू सेल, यहाँ पे क्वांटिटी है, यू कैन सिंपली सेल इट, आपका पोजीशन एग्जिट भी हो गया है। जैसे ही एग्जिट हुआ है, यहाँ पे आपका जो पोजीशन लाइन था वो गायब हो गया है, वो नहीं है, एंड यू हैव गॉट अ रेड एरो इधर। ओके, इसे आप मल्टी विंडो में भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे 3 स्टॉक्स को एक साथ करना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे टाटा मोटर्स है, यहाँ पे मैं दूसरा स्टॉक लेट अस सपोज वोडाफोन आइडिया लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक और अनदर स्टॉक, लेट्स गो टू टाटा स्टील। मैंने यहाँ पे एक टाटा स्टील ओपन किया। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये किया, ये मेरा फ्लोटिंग विंडो अभी भी है, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स ही सेलेक्टेड है। आई कैन गो टू वोडाफोन, जस्ट रिफ्रेश इट, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आ गया है, टाटा स्टील, एंड आई जस्ट रिफ्रेश इट। ओके, एंड आई कैन क्विकली अगेन बाय और सेल इन द टाटा मोटर्स, सॉरी टाटा स्टील में बाय और सेल कर सकते। टाटा स्टील में मेरी ये पोजीशन खड़ी हो गई, और जिस तरीके की चीजें मैं आपको बता रहा था टाटा मोटर्स में, सेम तरीके का यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट ऑन चार्ट पे ही पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट एग्जिट दिस पोजीशन, आई हैव एग्जिटेड, लेट्स गेट बैक टू द सिंपल लेआउट। मैं आप एक सिंपल लेआउट पर आ गया हूँ। नाउ मैं अगर निफ्टी के चार्ट्स ओपन करता हूँ, निफ्टी इंडेक्स के, तो निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर भी ये स्कैल्पर बटन आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 आप खुद ट्रेड नहीं कर सकते, आपको या तो उसका फ्यूचर ट्रेड करना होता है या फिर उसके ऑप्शंस को ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे ATM, हाईएस्ट जो है, मोस्ट ट्रेडेड, डेल्टा, ये बेसिकली ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए बताया गया है। अगर आप फेमिलियर होंगे धन पे, आपने फ्लैश ट्रेड यूज किया होगा, तो ये उसी तरीके का फ्लो आगे बनाता है। As soon as I'll click, like for an example, highest ROI, या मैं buy or sell पे भी click करता हूँ। जैसे ही मैंने highest ROI पे click किया, for based on my bullish view, क्योंकि मैं bullish चाहता हूँ, मैंने अपनी expiry choose करी है, और मुझे बता रहा है सबसे ज़्यादा open interest किस
निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट निफ्टी 21,700 के कॉल पर है, और इसकी अगर मैं चार्ट के बटन पे ओपन करता हूँ तो पीछे उसका चार्ट भी लोड हो जाएगा, एंड इफ आई क्लिक ऑन बाय और सेल बटन तो मेरे सामने वो स्कैल्पिंग का ऑर्डर विंडो भी ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप फिर से उसी तरीके से यहाँ तुरंत आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपका पोजीशन यहाँ पे दिख जाएगा एंड यू कैन ट्रेड। इसका हेल्पर कहाँ पे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे मल्टी स्क्रीन लेआउट ओपन करता हूँ, तीन विंडो का, तीन इंस्ट्रूमेंट्स का ओपन करूँगा, तो मैं इस वाले विंडो पर निफ्टी 50 इंडेक्स लगाता हूँ, यहाँ पे मेरा 21,700 का पुट है, यहाँ पे मेरा 21,700 का कॉल है। जैसे ही मैं ये लगाता हूँ आप देख सकते हैं ये कॉल है, यहाँ पे कॉल आ गया है। मैं इसको फ्लोट करके कहीं और भी रख सकता हूँ इफ़ यू वांट, पुट चाहिए आई जस्ट रिफ्रेश इट, यहाँ पे मेरा पुट आ गया है, और मैं बस क्विकली बेस्ड ऑन यहाँ पे अंडरलाइन का मूवमेंट, यहाँ पे कॉल और पुट दिख रहा है, और यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। जैसे ये मुझे अभी दिख रहा है, आई कैन जस्ट सिंपली गो एंड पुट को मैं बाय करूँगा, तो मेरा यहाँ पे पुट का ऑप्शन खड़ा हो गया है एंड मेरी यहाँ पे पोजीशन खड़ी हो गई है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगेगा, एंड जस्ट लेट अस नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ इट इज हेल्पिंग यू इन द ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.